भी फैसले हो रहे हैं, ये एक तो पॉलिसी शिफ्ट है और रियासत ये फैसले कर रही है। जी रियासती फैसले हैं और उसकी मैं वजह आपको बता रहा हूं कि ये इसलिए अहम था इस वक्त कि बहुत सारे मसाइल के ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जा रहा था। एक पॉइंट ऑफ व्यू मरा दिए कि ऐसा लग रहा था कि सियासी जमातों का पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा लग रहा था कि वो एक नुकता नजर भाई नहीं जा रहा था। ये जो हमारे शिबली फराज साहब हैं, ये भी बहुत ज्यादा आप समझें कि शोर शराबे से गुरेज करते हैं और पार्टी में इनको उसी तरह से देखा जाता है जिस तरह असद कैसे साहब को देखा जाता है। मैं इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। यानी असद आज जब ये ऐलान हुआ तो वो कोरोना के ऊपर मीटिंग चेयर कर रहे थे, उसमें ख्वाजा आसिफ के साथ बैठे हुए थे, ख्वाजा आसिफ भी साथ थे, मुशाहिदुल्लाह खान भी साथ थे, शाह महमूद कुरैशी भी साथ थे, राजा परवेश साहब भी साथ थे, पीपल्स पार्टी की वो एक मीटिंग चेयर कर रहे थे, यानी तमाम पार्टी के लोगों को बिठाया हुआ था उन्होंने, दरमियान में ये ऐलान हुआ। अच्छा अब इसमें दूसरी जो बात मैं थोड़ी सी क्लियर करके फिर मैं आता हूँ ये कोरोना के, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस पॉलिसी के बाद शिफ्ट आपको इसलिए कि और शख्सियात का फिर इसके बाद और शख्सियात भी की भी लाइन लगेगी, यानी वो भी पीछे पीछे जाएंगी और भी शख्सियात, यानी जो हुकूमत की टीम में इमरान खान साहब और शख्सियात भी तब्दील करेंगे। मुझसे जिस शख्सियत की बात की थी उन्होंने, वो जो शख्सियत है वो ये फिरदौस आशिक के मानी थी कम से कम, ठीक है ना, उनके नाम के साथ भी वैसे डॉक्टर आता है, चले जी काफी सारे डॉक्टर्स हैं। अच्छा अब अच्छा मैं सिर्फ एक बात को बता दूं, ये जो इंटरेस्टिंग बात है ना कि ये बड़ा एक इब्तला का दौर रहा है, ये जो दौर रहा है ना 2000 इनके आने से पहले, यानी आसिफ अभी तो बाबर इफ्तिखार साहब हैं, उससे पहले आसिफ गफूर साहब थे चार साल के लिए गालिबन चार साल का होता है ये टेन्यूर शायद आई एस पी आर का। लेकिन हुआ ये कि आसिफ गफूर साहब से पहले ये थे आसिम बाजवा साहब।